Hello everyone, welcome to Abhips Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9, subject English, unit 1, reading C, Salu Marada Thimakka. In this video lecture, we will see summary of the lesson. So let's start. Salu Marada Thimakka, it has been taken from the Times of India, 12th January 2015 by Madhur. In this lesson, we will see अबाउट सालू मरादा थिमक्का. आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि सालू मरादा कौन थी और उनका जन्म, उनकी लाइफ कैसी रही. इसके अलावा सालू मरादा ने मानव जाति के लिए क्या क्या किए हैं और उन्हें, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के फलस्वरूप कौन कौन से अवार्ड्स एंड सम्मान मिले हैं, और सालू मरादा थिमक्का ने सोशल एक्टिविटीज़ में किस तरह से वो इन्वॉल्व रहे. तो आज के इस लेसन में हम सालू मरादा की लाइफ के बारे में जानेंगे. सो लेट्स नो. सालू मरादा मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कनाडा लैंग्वेज. मीन्स सालू मरादा कन्नड़ भाषा का एक शब्द है और जिसका मीनिंग होता है अ रो ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की एक पंक्ति. सालू मरादा थिमक्का एन एनवायरमेंटलिस्ट इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ Karnataka. She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. Her persistent work has earned several national and international awards. Environmentalist means hota hai paryavaranvid. Personalities means vyaktitva. Untiring efforts means athak parishram. Distance means दूरी. Several means कई. Earned means कमाए. National and international awards means राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार. So इस तरह से जो सालू मरादा थिमक्का है वो एक environmentalist है, वो एक पर्यावरणविद है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से कई सारे पेड़ पौधे लगाए, जिनमें से 284 जो बनियान ट्री है वो 4 किलोमीटर के रेंज में लगाए गए, हाईवे के किनारे लगाए गए. एंड उनके वर्क की वजह से उन्हें कई तरह के नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं. सी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर हर सेल्फलेस वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. सी ऑल्सो हैज़ अ US एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थिमक्का रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन named after her. Honored means सम्मानित हुए. And National Citizens Award means राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार. Selfless works means होता है स्वार्थ रहित सेवा. Environmental Education means पर्यावरण शिक्षा. So इस तरह से जो सालू मरादा थिमक्का है उन्होंने कई तरह के सम्मान प्राप्त किए, जिनमें से क्या है, प्रतिष्ठित नेशनल सिटीजन्स अवार्ड, और इसके अलावा इनके जो सेल्फलेस वर्क्स है, स्वार्थ रहित सेवा है, जिनकी वजह से उन्हें उनके पास क्या था, एक US एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम था थिमक्का रिसोर्सेज, मीन्स जिनका नाम थिमक्का के ही नाम पे रखा गया. सो इस तरह से सालू मरादा थिमक्का ने जो भी एक्टिविटीज़ किए मानव जाति के लिए किए हैं, जिनकी वजह से उन्हें कई तरह के नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं. आगे हम जानेंगे सालू मरादा थिमक्का के बारे में. सालू मरादा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री. सालू मरादा थिमक्का वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड होलिकल दैट फॉल्स अंडर द मगाड़ी तालुक ऑफ बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट. सी वॉज नोन एज थिमक्का देन. सी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन. फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वेरी नियर हर होम. सी वॉज मैरिड ऑफ टू चिक्का अ कैटल हर्डर. द कपल वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ. सालू मरादा थिमक्का का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ, होलिकल नामक गांव पे हुआ, और जो कि बेंगलोर के मगाड़ी तहसील के अंतर्गत आता है. एंड उस समय सालू मरादा थिमक्का का नाम सिर्फ थिमक्का था. सी डिड नॉट गो टू स्कूल और गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन. वो जो है
स्कूल नहीं जाती थी और किसी तरह की वो फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा नहीं ली थी। फॉर्मल एजुकेशन मीन्स होता है औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। फ्रॉम एन अर्ली एज सी वर्कड एज अ लेबरर, लेबरर मीन्स होता है मजदूर, इन अ क्वेरी, क्वेरी मीन्स होता है खदान। शुरू में वो जो है अपनी प्रारंभिक एज में क्या करती थी, एक मजदूर के तौर पे क्वेरी यानी खदान में काम करती थी। सी वॉज मैरिड ऑफ टू चिक्कै अ कैटल हर्डर, और उनका विवाह चिक्कै के साथ हुआ जो कि गडरिया थे यानी भेड़ चालक थे। द कपल वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ, और दोनों कपल चाहते थे कि उनकी खुद की कोई संतान हो बट शादी के 25 साल के बाद भी उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। वन डे द हस्बैंड वाइफ ड्यू डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ्स। दैट वॉज अराउंड 50 ईयर्स अगो। फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, अ मिशन टू रेज एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल विथ लव एंड केयर एंड एज देयर ऑन चिल्ड्रन। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिए, ओवरकम मीन्स होता है जीत हासिल करना, सैडनेस मीन्स दुख, सैडनेस दुख, एंड एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, फीलिंग मीन्स होता है भावना, स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ की जर्नी मीन्स यात्रा, अनटायरिंग लव मीन्स अथक प्रेम, सेल्फलेस सर्विस मीन्स स्वार्थ रहित सेवा, ऑर्डिनरी कपल मीन्स साधारण जोड़ा या साधारण जोड़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण, मिशन मीन्स होता है योजना। सो इस तरह से एक दिन उन्होंने क्या किया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सोचा कि उनकी तो खुद की संतान नहीं थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना हम पेड़ पौधे लगाए, यानी पेड़ पौधों को ही अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करें। सो उन्होंने एक जर्नी की स्टार्ट की और वो लगभग आज से 50 साल पहले की बात है। सो आज से लगभग 50 साल पहले दोनों ने एक जर्नी की स्टार्ट की, एक यात्रा की स्टार्ट की कि आज से हम क्या लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी हम अपने बच्चों की तरह सेवा करेंगे, और एक साधारण कपल एक असाधारण मिशन की शुरुआत किए। सो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई और वो जितना चाहे उतना पेड़ पौधे वो लोग लगाना स्टार्ट कर दिए। सो आगे क्या होता है, हर जर्नी टू बिकम सालो मरादा थिमक्का मीन्स उनका नाम सिर्फ थिमक्का था, बाद में उनका नाम पड़ा सालो मरादा थिमक्का। थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड एंड दे सेलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुडू टू फुलफिल देयर प्लान्स। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फिकस बनियान ट्रीज एज देयर वर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्रीज नियर हर विलेज। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग्स इन द फर्स्ट ईयर एंड प्लांटेड देम अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट लेड टू कुडूर। सो थिमक्का का जो नाम था सिर्फ वो थिमक्का थी, उसके बाद उनका नाम सालो मरादा पड़ा क्योंकि उनके विभिन्न एक्टिविटीज़, उनके जो पौधारोपण की जो एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से उन्हें सालो मरादा कहा गया। सालो मरादा मीन्स पेड़ों की एक पंक्ति। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोड के आसपास, रोड की जो दोनों तरफ है, वो लोग रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे, और उन्होंने सबसे पहले कुडूर विलेज को चुना क्योंकि कुडूर विलेज एक ऐसा विलेज था जहाँ पे पेड़ों की बहुत कमी थी और यात्री जब आते जाते थे तो उनको बहुत कठिनाई होती थी, खास करके गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो उन्होंने कुडूर विलेज को चुना और उन्होंने सैपलिंग्स मीन्स पौधे, सो उन्होंने पौधे खरीदे और पौधे लगाना स्टार्ट किए। सो इस तरह से उन्होंने कई सारे पौधे लगाए जिनमें से जो बनियान ट्री है उन्होंने पहले शुरुआत किए। थिमक्का's husband passed away in 1991, but she continued with her mission alone and undaunted. The government of Karnataka has taken over and management of the trees now. They treated the saplings as their own children and each day followed the same routine. They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. Their tireless efforts began to bear fruits when the saplings grew into large and strong trees.
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब थिमक्का थी, थिमक्का ने ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए और वे दोनों मीन्स सालुमरा थिमक्का और इनके जो हस्बैंड हैं, ज़्यादा करके ये लोग मानसून मौसम में ही पेड़ पौधे लगाते थे ताकि पेड़ पौधों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, यानी पेड़ पौधे आसानी से जग जाए, आसानी से तैयार हो जाए। सो इस तरह से ये लोग मानसून में ही पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाते थे। इसके अलावा पेड़ पौधे में जब पानी डालना होता था तो ये कैसे करते थे, या तो पोखरों से, तालाबों से या कुआं से पानी लेकर के पौधों में डाला करते थे। थिमक्कस हस्बैंड पास रेवे 1991 और सन 1991 में थिमक्का का जो हस्बैंड है, थिमक्का के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है, और जिसकी वजह से उनका जो मिशन है, उनकी जो योजना है, वो इस तरह से एक तरह से थिमक्का जो है अकेली पड़ जाती है। परंतु फिर भी सालुमरा थिमक्का अलोन एंड अनडाउंटेड मीन्स निडर, वो इस तरह से थी कि वो अकेली ही निडर इस मिशन को आगे लेकर के चलती है और वो सैपलिंग्स को यानी कि पौधों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करती है। एंड दे आल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग्स फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाय फेंसिंग देम विद थॉर्नी श्रब्स। थॉर्नी श्रब्स मीन्स होता है कटीली झाड़ियाँ, और वो जब पौधे लगाती थी तो उन्हें खाने का डर रहता था, यानी कि कैटल का, यानी भेड़ बकरियाँ उनको खा जाती थी, तो वो पौधों की रक्षा करने के लिए थॉर्नी श्रब्स लगाती थी, यानी कटीली झाड़ियाँ का इस्तेमाल करती थी। देयर टायरलेस एफर्ट्स बिगिन टू बेयर फ्रूट्स व्हेन द सैपलिंग्स ग्रू इनटू लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज। और उनकी जो टायरलेस एफर्ट है, अथक जो परिश्रम है, जिनकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो आज फलों के रूप में फल देने लगे हैं, यानी आज वही जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आज उनसे फल प्राप्त हो रहे हैं। सो इस तरह से सालुमरा थिमक्का की जर्नी स्टार्ट हुई और उनका नाम थिमक्का से सालुमरा थिमक्का बना। सालुमरा थिमक्का ने कई सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, जिनमें से कुछ पेड़ पौधे इस तरह से हैं जो कि आज एक विशाल पेड़ बन चुके हैं, और इनकी टायरलेस एफर्ट्स की वजह से न सिर्फ बनियान ट्री बल्कि कई तरह के पेड़ पौधे इन्होंने अपनी लाइफ में लगाए हुए हैं। आगे हैं अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ थिमक्का, मीन्स पेड़ पौधे लगाने के अलावा थिमक्का और कई सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही, सो आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सालुमरा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, सी गॉट इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनिमल फेयर ऑफ हर विलेज। सी हैज प्लान्स टू बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज एंड हैज सेट अप अ ट्रस्ट फॉर द पर्पस। She is an active crusader for spreading the message of afforestation. Her simple philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some asset for humanity. She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension. But this has never managed to kill her spirit or her passion for doing good work for humankind. सालुमरा थिमक्का जो है वो ट्री प्लांटेशन करना नहीं रोकी और वो हमेशा करती ही रही। सी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज, मीन्स वो कई तरह की जो सामाजिक क्रियाकलाप है उनमें इन्वॉल्व रही, जैसे टैंक की कंस्ट्रक्शन में, वाटर के स्टोर करने में, जो वर्षा का जल है उनको स्टोर करने में, एंड जो गांव है गांव की स्वच्छता के लिए भी वो इन्वॉल्व रहती थी, फेयर मीन्स स्वच्छता। सी हैज़ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन हर विलेज, और उनका प्लान था, उनकी एक योजना थी कि वो अपने गांव में हॉस्पिटल का निर्माण करे, और इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। एंड सी इज़ एन एक्टिव क्रुसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफोरेस्टेशन। एक्टिव क्रुसेडर मीन्स होता है सक्रिय योद्धा, स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, मैसेज मीन्स संदेश, एफोरेस्टेशन मीन्स वृक्षारोपण या वनीकरण, और वनीकरण का संदेश फैलाने के लिए वो एक सक्रिय योद्धा है। हर सिंपल फिलासफी ऑफ लाइफ इज दैट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ मस्ट लीव बिहाइंड सम एसेट फॉर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, फिलासफी मीन्स दर्शन शास्त्र,
उनकी एक सिंपल सी फिलासफी है कि हर मनुष्य को अपनी लाइफ में मानव जाति के लिए या मानवता के लिए कुछ ना कुछ अवश्य छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ संपत्ति अवश्य छोड़ना चाहिए। सी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जस्ट मैनेज टू सम हाउ मेक अ लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स एंड अ मंथली पेंशन। और वो स्टिल मीन्स अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स आर्थिक संकट, और वो अभी भी आर्थिक संकट में रहती है और कैसे भी करके अपनी लाइफ को वो मैनेज करती है। किनके द्वारा? विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स है या फिर मंथली जो पेंशन मिलता है उनके थ्रू वो मैनेज करती है। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। परंतु फिर भी इतने संकट होने के बावजूद भी उनका जो पैशन है, वो जिस तरह से मानव जाति के लिए, मानवता के लिए पैशनेट रहती है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। सालू मरादा थिमक्का वृक्षारोपण के साथ साथ कई सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही और जिनकी वजह से उन्हें ढेर सारे पुरस्कार एंड सम्मान प्राप्त हुए। सो लेट्स नो अबाउट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का मीन्स पुरस्कार एंड पहचान थिमक्का के लिए। सालू मरादा थिमक्का इज़ द आइडल ऑफ एवरी एनवायरमेंटलिस्ट टुडे। सी हैज शोन द वर्ल्ड हाउ वन इलिटरेट वुमन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द सोसाइटी थ्रू हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। सालू मरादा थिमक्का आज हर एक एनवायरमेंटलिस्ट के लिए एक आइडल है, एक प्रतिमा है, और उन्होंने ये दिखा दिया कि कैसे एक अनपढ़ महिला मानव जाति के लिए, समाज के लिए कितना बड़ा अंतर बना सकती है, यानी कितना बड़ा कुछ कर सकती है। सी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक, उन्हें कई तरह के शीर्षक, कई तरह के टाइटल से सम्मानित किया गया है, जैसे वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्ष श्री से। For her uncompromising efforts towards saving the environment, she has been conferred with several awards and citations, including National Citizens Award 1995. और उन्हें कई तरह के, उनके जो efforts, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो परिश्रम हैं, उनकी वजह से उन्हें कई तरह के सम्मान एंड awards मिले हैं, जिनमें से 1995 में मिला है National Citizens Award. Honor Certificate from the Woman and Child Welfare Department, Government of Karnataka, और महिला एंड बाल कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार के द्वारा उन्हें क्या मिला है? प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट मिला है, मीन्स प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट, एंड इसके अलावा उन्हें कई तरह के सम्मान मिले हैं, जैसे विशालाक्षी अवार्ड बाई आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या मिला है? विशालाक्षी अवार्ड मिला है, एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, और उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। किनके द्वारा? प्रतिष्ठित सम्मान मिला है किनके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर के द्वारा भी उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार, प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। सो इस तरह से सालू मरादा थिमक्का को इतने सारे अवार्ड्स तो मिले ही हैं, इसके अलावा उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी 2019 में प्राप्त हुआ। सो इस तरह से हमने सालू मरादा थिमक्का की लाइफ के बारे में आज जान लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।